हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कभी भी आपको कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको डीवैल्यूएशन के जोन में डाला गया है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, पावरफुल, एथिक्स, मोरालिटी बेस्ड पीपल होते हुए भी आपके साथ एक बहुत भद्दा, बहुत जाहिल किस्म का, बहुत नेगेटिव सा व्यवहार किया है। डीवैल्यूएशन जोन में डाल करके आपकी कोई सेल्फ को डाउन करने में लगा था, आपकी सेल्फ पर अटैक करने पर कोई लगा था। चेक इन कर लेते हैं किसकी एनर्जीज हैं, क्यों और इस समय में करंट एनर्जीज क्या हैं ऐसे लोगों की। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओशो से मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स ले रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव आदि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति। अगर आप भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं, आप भी अपने जीवन में कामयाबी और सक्सेस को पा सकते हैं। ठीक है, नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहा है, दो लोगों के साथ एक फ्री, बहुत पावरफुल रिचुअल है। आप बहुत पावरफुल अनुभव अपने जीवन में नेम करेक्शन के अगले सवा साल बाद महसूस करने लगेंगे और 6 महीने में खुद ब खुद चीज़ें आपको अपने आप से बदलती हुई दिखाई देंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूअर्स के, अगेंस्टर्स एंड हेटर्स जो भी हैं उनके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। हीलिंग, इनोसेंस, गाइडेंस, रिवर्स में है गाइडेंस, ठीक है, सप्रेशन नंबर 1, पार्टिसिपेशन रिवर्स, टर्निंग इन नंबर 4, सोर्स रिवर्स, स्लोइंग डाउन सेलिब्रेशन नंबर 3, क्लिंजिंग टू द पास्ट नंबर 5, इनर वॉइस एग्जॉशन नंबर 9, बॉटम डेक में आया है यहाँ पे नंबर 7, अवेयरनेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर्स बता दूँ, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4, 4 की एनर्जी 2 बारी है, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 3, ये आपके मूलांक, आपके भाग्यांक हो सकते हैं। हर एक इंसान अपने जीवन में जो भी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं उसका मूलांक, उसका भाग्यांक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंडरी वर्क करते हैं हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक्स, हमारे कर्मा, ठीक है। इन नंबर्स के हिसाब से आपका एक स्पेसिफिक एक नेचर होता है क्योंकि इन नंबर्स का आपके ऊपर प्रभाव होता है, ठीक है। तो आप भी अगर चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी चीज़ें जानना, अपना नेम करेक्शन कराएं, आपका लो शुभ रीड बनाया जाएगा, आपके बारे में बहुत कुछ, आप किस तरीके के इंसान हैं सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहा है, दो लोगों के साथ एक की फ्री है, अगर इंटरेस्टेड है तो आप करवा सकते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही है, हीलिंग का कार्ड है। देखिए, आप एक हील्ड पर्सनालिटी थे। हील्ड का मतलब क्या है? खुश मिजाज, हसमुख, मदमस्त, किसी से जलने फूकने वाले नहीं, सबका भला सोचने वाले, लोगों को मोटिवेट करने वाले, लोगों को आगे बढ़ाने वाले। आप एक ऐसे पर्सन मुझे पास्ट लाइफ में दिख रहे हैं, पास्ट टाइम में दिख रहे हैं, लाइफ नहीं पास्ट टाइम, पिछला जो समय था आपका,
कि अगर आपके से अपनी कोई खुशियां बताता है तो वो उनकी खुशियां मल्टीप्लाई होती हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे खुश होते हैं, आप जलते नहीं हैं, भूनते नहीं हैं, कुड़ते नहीं हैं। ये आपकी इनर सोल थी, इनर स्ट्रेंथ थी। सो ये चीज़ें किसी को पसंद नहीं आई, क्योंकि जो इंसान किसी से जलता नहीं है, किसी को देखकर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव जो है नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट नहीं करता, नेगेटिविटी पास नहीं करता, तो उसके जीवन में एक अबंडेंस होती है, एक भरपूरता होती है जो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड पर उस इंसान को मिलती है। तो यहाँ पर किसी ने देखा, किसी ने जांचा, सोचा, परखा आपको कि ये इंसान बहुत पावरफुल है, इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आपकी फ़ोटो लेकर तांत्रिकों के चक्कर काटे गए हैं, किसी ने इन लोगों को आपका भविष्य बहुत पावरफुल बताया है कि ये इंसान तो भैया बहुत कुछ करेगा अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर। इनकी वहाँ से हवा टाइट हो गई, ये डर गए, जल गए, मर गए। इनको पता चलने लग गया कि ये इंसान तो भाई बहुत स्ट्रांग है, ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो इंट्यूटिव है। ठीक है, मेरी वीडियोस को सभी तरीके के लोग देखते हैं, 10% नेगेटिव लोग भी हैं यहाँ पर, 90% यहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं, बाकी 10% यहाँ पर नेगेटिव लोग भी आते हैं जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, जो लोगों को देख करके जलते हैं, किसी की सफलता में बाधक बनते हैं, किसी की सफलताओं को देख करके जलते हैं। अच्छा सच्चा परमात्मा का जो भक्त होता है वो लोगों की सफलताओं से खुश होता है, किसी को देख करके जलता नहीं। अगर आपके अंदर किसी की सक्सेस को, किसी की ग्रोथ को देख करके जलन है, आप माने या ना माने, कितने बड़े आप अपने आप को भक्त बना ले, आप पापी इंसान हैं। आपके अंदर द्वेष, पाप, इंद्रियों का जो होता है ना, इंद्रियों की आसक्ति आपके भीतर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो इन लोगों ने देखा कि आप तो बहुत इनोसेंस हैं, ठीक है, आप पावरफुल तो हैं ही हैं, आपका भविष्य तो उज्ज्वल है ही है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांग था। सक्सेस मिलती है आपको हमेशा हार्ट चक्रा की पावरफुल पोजीशन से। जब आपका हार्ट चक्रा हील होता है तो आप अनकंडीशनल लव में होते हैं, सेल्फ लव में होते हैं, लोगों से किसी भी प्रकार की कोई आप उम्मीद नहीं करते, आप लोगों को देने में विश्वास करते हैं। और जब आप अनकंडीशनल कुछ भी देते हैं तो लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें किसी ने देखी और उन्होंने करवाए हैं आप पर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक, आप पर बहुत हैवी हैवी स्पेल कास्ट करवाए गए हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको पहले से ही, बचपन से ही डिवाइन की गाइडेंस मिलती है, या ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको मिलता आया है। सो दैट ये बहुत बड़ी जलस का कारण बना है आपके जीवन में। तो यहाँ पे आपके, मैं बर्थ चार्ट में बता दूँ, सूर्य और शनि की युति हो सकती है, ठीक है, आपके 6-8-12 में, 6-8-12 आपके बर्थ चार्ट में, 6 भाव में, 8 भाव में और 12 भाव में शनि और सूर्य की युति हो सकती है। जहाँ पर भी सन का सैटर्न का कंजक्शन होता है वहाँ पर एक बहुत भयंकर किस्म का जो है पितृदोष बन जाता है आपके बर्थ चार्ट में, जो बहुत नेगेटिव होता है, ठीक है। आपकी लाइफ को हेल करने के लिए ये एक ही दोष काफ़ी है। तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में सन का एंड सैटर्न का कंजक्शन हो 6-8-12 में, जरूर चेक करवाएं, पाएगा, मिलेगा जरूर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके भविष्य के बारे में इन लोगों ने जानने की कोशिश करी है। आप पर बहुत ज़्यादा भयंकर किस्म के, आप शुरू से ही मेडिटेटिव रहते हैं क्योंकि आप जलते भूनते नहीं हैं, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। तो ऑलवेज जो इंसान किसी से जलता नहीं है, किसी से कुड़ता नहीं है, वो हमेशा एक जो है मेडिटेशन पॉज में रहता है, चाहे वो ध्यान बैठकर ना करे, क्योंकि उसका ध्यान अपने काम पर ही होता है। तो किसी ने आपके ध्यान को भंग किया है। ये देखिए भूतों की फोर्स दिख रहा है आसपास, डेविलिश एनर्जीज, ये इंसान मेडिटेशन में है और इसके इर्द गिर्द कितने भूत पिशाच छोड़े गए हैं, यानी आपके ऊपर डेविलिश क्रियाएं करी गई हैं। आपकी फ़ोटो को तांत्रिकों के पास पहुंचाया गया है, मौलवियों के पास पहुंचाया गया, आप पर हैवी तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक किया गया है ताकि आपके ऑरा को हार्म किया जा सके, आपकी एनर्जीज को हार्म किया जा सके, आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ मिल ना सके। द सोर्स भी यहाँ पर रिवर्स में है, यानी आपकी जो भीतर की क्रिएटिविटी है, क्योंकि कोई भी इंसान सक्सेस कैसे होता है, अपने अंदर की क्रिएशन, उसके अंदर कुछ ना कुछ होती है, क्रिएटिविटी होती है। और जब आप अपनी क्रिएटिविटी को ही भूल जाओगे, आपको ये पता ही नहीं होगा मैं क्या ही करूं, तो आप क्या ही सफल होगे, ठीक है। तो किसी ने आपकी क्रिएटिविटी पर स्पेल कास्ट करे हैं, आपके सैक्रल चक्रा पर, आपके सोलर प्लेक्सिस पर एंड आपके सैक्रल चक्रास पर हैवी स्पेल कास्ट हुए हैं।
जिसकी वजह से आप जो है एक बवंडर में फंस जाओ। आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपका सेल्फ क्या है, आप भूल ही जाओ किसी ने ये चीज़ें आपके साथ करी हैं। आपके जीवन में थंडरबोल्ट क्रिएट करा है, सेलिब्रेशन को आपके रोका गया है। आपने ना, आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि आपके आसपास के लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपके जीवन में किसी भी किस्म की सेलिब्रेशन नहीं है। आप अपने जीवन को जी नहीं सकते खुल के, क्योंकि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव लोगों की पाबंदियां मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्लिंजिंग टू द पास्ट, पास्ट के कार्मिक्स थे ये आप लोगों के, आपकी बुद्धि को इन्होंने बांधा है बहुत तगड़े तरीके से, पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं ताकि आप अपने जीवन में कामयाब ना हो सको। लेकिन अब वो सारी चीज़ें आपने तोड़ दी हैं, सब चीज़ें आपने सीख ली हैं और आप अब इन चीज़ों से लड़ते झगड़ते हैं, हार नहीं मानी है आपने और आप आगे बढ़ रहे हैं। और अब इनकी हवाएं टाइट हो गई हैं कि इस पर तो ना ब्लैक मैजिक काम करता है ना हमारी बातें असर करती हैं, अब हम इंसान का क्या करें। तो ये जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन में, अब ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। ठीक है, तो ये अब इस जोन में आ गए हैं कि हमने बहुत नीच हरकतें कर ली, इस इंसान की नज़रों में हम इतना गिर गए हैं कि ये हमें हमारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं कहते ना रिग्रेट भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत नीच किस्म की हरकतें करी हैं जो कहीं पर भी वैलिड नहीं होती। ठीक है, सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रेटिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों से रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी चाहते हैं जीवन में कामयाब होना, नेम फेम पाना, सक्सेस पाना, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी नेम करेक्शन से। मेरा लकी नंबर 4 है, ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ होगा नेम करेक्शन कराने का। अगले 6 महीने बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने लगती है, आप बदलने लगते हैं। ठीक है, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, ठीक है, सब कुछ बदलने लगता है, आपकी आदतें, सब कुछ बदलने लगता है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, उससे पहले आपके भीतर चेंज आते हैं, आपका इंटरनल बदलता है, पहले आपकी इंटरनल चीज़ें बदलती हैं, फिर आपका एक्सटर्नल बदलता है, आपके एक्शंस बदलते हैं, आपकी हैबिट्स बदलती हैं, आप कुछ करने में क्रिएटिव हो जाते हैं, और जब आप उस पर कड़ी मेहनत देते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है, आपको मिलनी। वो सारी चीज़ें पा सकते हैं आप नेम करेक्शन से। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, आप करेंगे तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिलेंगे। ऑफर चल रहा है 2 लोगों के साथ, एक की फ्री है नेम करेक्शन। सिंगल पर्सन नेम करेक्शन चार्जेस हैं 5100 यानी 5100 रुपये। अगर आप इंटरेस्टेड है तो करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं तो भी करवा सकती हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। हरे कृष्णा हरि बोल, राधे राधे।